अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लॉस्ट्रिडियम टेटिनाई का बताया था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट रह गया था वो मैं बताना भूल गई थी। तो वो एंटीटॉक्सिन्स दे सकते हैं, जरूरी नहीं है ट्रीटमेंट वैसे यहाँ पे डिस्कस करना, क्योंकि हम फार्मा में मोस्टली वो कवर कर लेते होते हैं। यहाँ पे हमने एंटीटॉक्सिन की बात करनी है, मेट्रोनिडाजोल की, पेंसिलिन जी की और बेंजोडिएज़ेपिन्स की बात करनी है। ये सारा कुछ हम इसमें दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे बॉटुलिज्म की तरफ। बॉटुलिज्म आपको नाम से पता चल रहा है, बॉटुलिनम है, तो वो क्या कराएगा, बॉटुलिज्म करा देगा। और ये स्प्रेड कैसे होता है, ये कैन फूड्स के जरिए स्प्रेड होता है। जब हम फूड को स्टेरिलाइजेशन उसकी सही नहीं हुई होती और कैन फूड हम यूज करते हैं, उसकी वजह से मोस्टली होता है। और वो कैन फूड कौन कौन सी हो सकती है, बीन्स हो सकते हैं, मशरूम्स हो सकते हैं, स्मोक फिश हो सकती है। लेकिन एक बात है कि अगर हम इन चीज़ों को हीट करके प्रॉपर कुकिंग करके खाएं तो ये इससे डिजीज प्रिवेंट हो सकती है, क्योंकि इसका जो टॉक्सिन होता है ना, वो एक हीट लेबाइल टॉक्सिन है। हीट लेबाइल का मतलब क्या है कि जब हम उसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, तो वो चीज जो है ना, वो आपके लिए डेंजरस नहीं रहेगा, उसका टॉक्सिन ही इनएक्टिव हो गया, तो बैक्टीरिया अपना एक्शन ही नहीं परफॉर्म कर सकेगा। तो इसलिए सफिशियंट अगर चीज की कुकिंग की हो तो वो डिजीज से प्रिवेंट कर सकता है। उसके बाद आती है इसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में ये है कि बॉटुलिज्म टॉक्सिन ऑब्वियसली कैन फूड के जरिए गया है, तो जाएगा कहाँ, गट में। गट से क्या होगा कि ब्लड में चला जाएगा अब्सॉर्ब होके, ठीक है। अब जब चला गया आपके ब्लड के अंदर, वहां पे जाके जैसे वो उसने प्रोटीएज वाला एक्शन किया था, इसने भी होना प्रोटीएज ही है, लेकिन इसने उन न्यूरॉन्स के एंड पे जाके प्रोटीन्स को किल करना है या उस प्रोटीन को तोड़ना है जो कि इन्वॉल्व है एसिटाइल कोलीन की रिलीज में। वो था गैबा ग्लाइसिन वाले की रिलीज वाला, ठीक है, उनके रिलीज को प्रिवेंट करा था। ये एसिटाइल कोलीन की रिलीज को इनहिबिट कर रहा है, हालांकि ये एक्टिवेटर है, इसकी वजह से कंट्रेक्शन होनी है। अब यही नहीं होगा, एसिटाइल कोलीन ही नहीं रिलीज हो रहा, तो क्या होगा कि जो है ना, बंदे की मूवमेंट्स वो खत्म हो जाएंगी, फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं इसकी पैथोजेनेसिस हमने देख ली। और इसको ना मोस्टली लोग यूज करते हैं, क्योंकि फ्लैसिड पैरालिसिस कराता है ना, तो इसको कॉस्मेटिक पर्पजेस के लिए भी यूज किया जाता है। वो कैसे कि इससे बनता है बोटॉक्स। बोटॉक्स क्या करते हैं, रिंकल्स रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, इसका एक्सोटॉक्सिन होता है, उसको रिंकल रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद ये कि स्पाजमोटिक मसल डिसऑर्डर है किसी बंदे को, टेटनस हुआ हुआ है, स्पाजमोटिक कंट्रेक्शंस हो रही हैं, तो उस बंदे में भी दे सकते हैं। टॉर्टिकोलिस हो रहा है किसी बंदे को, ब्लेफराइटिस हो रहा है या राइटर्स क्रैम्प्स हो रहे हैं, ठीक है, उस बंदे में दे सकते हैं इसको। तो उसके बाद इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स आ जाती हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होता है कि इसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस वीकनेस और पैरालिसिस होता है, डिसेंडिंग पैरालिसिस होता है, जबकि गुलेनबर्ग सिंड्रोम होता है उसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है। इसलिए ये कॉन्ट्रास्ट याद रखना है दोनों का। कभी सिनेरियो में आपको असेंडिंग पैरालिसिस आए तो वो गुलेनबर्ग सिंड्रोम है, अगर डिसेंडिंग पैरालिसिस है ना तो वो आपका ये बॉटुलिनम आ जाता है। उसके बाद डिप्लोपिया होता है, इसकी वजह से डीडी याद रखने हैं, डिसेंडिंग पैरालिसिस है, डिप्लोपिया, डिस्फेगिया, रेस्पिरेटरी मसल्स का फेलियर हो गया जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सपोर्ट्स, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने पड़ेंगे हमें। उसके बाद ये कि दो तरह के स्पेशल इसकी फॉर्म्स होती हैं, एक होती है कि वाउंड बॉटुलिज्म और दूसरा इन्फेंट बॉटुलिज्म, ठीक है। वाउंड बॉटुलिज्म में क्या होता है कि स्पोर कम्युनिकेट करते हैं वाउंड के साथ और जर्मिनेट करके वहां टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कराते हैं। और जो इन्फेंट बॉटुलिज्म होता है उसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म गट में ही ग्रो करता है और गट में ही इन्फेक्शन करा देता है, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटेड विद ड्रग अब्यूज से भी एसोसिएटेड हो सकता है, स्किन पॉपिंग से भी, ब्लड टार हीरोइन वगैरह से भी एसोसिएटेड हो सकता है। उसके बाद आती है इसकी लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में आपको बताना चाहिए कि स्पेसिमन जो होता है ना, इसमें पेशेंट का सीरम लेते हैं या अनईटेड फूड, जिस ऐसी ईट जो उसने खाई हो उसकी वजह से हुआ हो, तो वो फूड का टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम स्टेनिंग पे आएंगे, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स, ठीक है, यहाँ पे रॉड्स लिखना है। और माइक्रोस्कोपी में हम देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स आएंगे, ऑब्वियसली स्पोर फॉर्मिंग हैंगे। उसके बाद ये कि कल्चर हम इसको नहीं कर सकते, टेस्ट इसमें हमने कौन सा करना है, माउस प्रोटेक्शन टेस्ट, एलिसा और पीसीआर। माउस प्रोटेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि जो है ना माउस, उसके अंदर क्या करते हैं, हम टॉक्सिन को इंड्यूस कर इनाकुलेट करते हैं। अगर जो है ना उस माउस में एंटीटॉक्सिन नहीं होगा, ठीक है, तो माउस मर जाएगा, और अगर उसमें एंटीटॉक्सिन हुआ तो बच जाएगा, मतलब इस तरह करके इसका कोई टेस्ट होता है। तो एलिसा और बीसीआर, इनके नाम याद करनी है। यहाँ तक हमारी वीडियो कम्प्लीट होती है।